हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज की सुबह में बस इतना कहना है आपसे कि हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कहीं छिपाया मत करो। हम में से कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। अरे यार, उसे अच्छा लग जाएगा ना, ठीक है यार, कोई बात नहीं, मुझे बुरा लग रहा है तो क्या, उसे तो खुशी है ना। तो अब ना ये दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को मारना बंद करो और खुद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाओ। अच्छा, कभी कभी ना किसी को देख करके दिल करता है यार, इसे ना टाई गले लगा लेना चाहिए। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे देख करके बस गले लगाने का मन हो और इतना टाइट कसने का मन हो कि वो तुम्हारी बाहों से छूटे? कौन है, नाम लिखो उसका या फिर उसको ये वीडियो भेज दो और उसे टाइट ऐसे गले लगा। मुझे लगता है रोना गलत बात नहीं है। कौन कहता है कि रोना कमजोर होने की निशानी है? रो करके तो आप अपने दिल के गम को हल्का कर सकते हैं, लेकिन रोना वही अच्छा है जहां सामने वाला आपके आंसुओं की कदर करे। पता चला आप उस इंसान के सामने रो रहे हो जिसके लिए आपका रोना एक तमाशा है। वो तो एंटरटेन होता रहेगा आपके रोने से, लेकिन आपके आंसू बर्बाद चले जाएंगे। तो इसलिए अपना गम सिर्फ अपने तक रखना, दुनिया को तो बस मुस्कुराते हुए। जब भी कभी परेशानी में होता हूं या रास्ता नजर नहीं आता, तब सोचता हूं आप इसे कैसे हैंडल करते हो। बस रास्ता अपने आप निकल आता है। जिंदगी में आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि कभी जब आपके सामने कोई मेरा नाम ले या मेरा जिक्र करे, आपकी आंखें हमेशा गर्व से उठी रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। ओए सुनना, एक दुनिया बनाते जहां तुझे मुझसे शिकायतें ना हो, जहां तू रूठे लेकिन मेरी बाहों में आकर मान जाए, जहां खिड़कियों से बर्फ दिखती हो, जहां सिर्फ मोहब्बत रहती हो, जहां दिखावे के रिश्ते ना हो, मैं हूं तू रहे और हमारे अलावा कोई ना हो। चल याद रखना कि कोई तो था जो तुझसे लेकर सिर्फ तुझ तक ही था, जिसके ख्वाबों में तू थी, जिसकी जिंदगी सिर्फ तेरे संग थी। दोस्त साथ हैं तो जिंदगी आसान है, गम की रात हो या साला खुशियों की बरसात, उनके होने से ना साफ सही लगता है। एक दूसरे को खूब समझते हैं, गालियां देते हैं और प्यार करते हैं, और हाँ हर मुश्किल वक्त में साथ भी देते हैं। मैं कुछ दोस्त तुम्हारे लिए ऐसे, तो खुश नसीब हो तुम। यार किसी की फीलिंग से मत खेलो। अगर साथ चलने की हिम्मत हो और पूरी दुनिया से लड़ सकते हो ना, तभी आगे बढ़ो। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके 5-10 सालों के रिश्ते रहे, जो एक दूसरे के लिए आदत बन गए थे, लेकिन उनको थोड़ी सी परेशानी आई और उन्होंने रिश्ते तोड़ दिए। यार नहीं होता कुछ लोगों का दिल इतना मजबूत कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, तो मत किया करो। अगर हिम्मत नहीं है तो दिल मत लगाया करो। परेशानियां और गम सबके हिस्से आते हैं और ये जरूरी भी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि खुशियां क्या हैं, गम क्या हैं। तो जितनी भी परेशानियां आए, उन्हें बस सामने से जाकर के फेस करो और कहो कि सब ठीक हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, देखना अपने आप पे भरोसा रखोगे ना। परेशान तो हर कोई है, कोई थोड़ा कम तो कोई थोड़ा ज्यादा, लेकिन उन परेशानियों से जीत वही पाता है जो परेशानियों के बार बार आने के बाद भी कहता है कोई बात नहीं, आ गई ना तुम दोबारा से, मैं तुमसे लड़ूंगा और दोबारा से जीतूंगा। तो जिंदगी में लड़ना कभी कम मत करो और जीतते जाओ, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कहते हैं उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी मंजिल से मोहब्बत है, अब वो कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, तो बस उससे जुड़े रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन कोई होना चाहिए यार जिससे झगड़ा हो, बहस हो और कभी कभी बातें भी बंद हो जाए। लेकिन जब कभी तुम परेशानी में हो ना, या वो कभी परेशानी में हो, तो तुम दोनों एक दूसरे का साथ दो। अगर कोई ऐसा है जिंदगी में तुम्हारे, तो कमेंट में चुपचाप उसका नाम लिख दो। एक दोस्त होता है ना आपका, जो दोस्त नहीं होता, गर्लफ्रेंड से ज्यादा आपसे चिपक कर रहता, मतलब उसे जलन हो जाएगी जब आप किसी और के करीब जाएंगे,
कोई और नया दोस्त बना लो तो मुंह फुला लेगा। कोई है ऐसा दोस्त आपका जो कि आपके घर में भी पहचाना जाता हो आपकी जान बनकर, तो उसका नाम लिख दीजिए या फिर उसे ये वीडियो भेज दीजिए। मोहब्बत सबको नसीब नहीं होती यार, इसलिए ऊपर वाले ने कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ दोस्तों को भेजा। वो दोस्त जो मोहब्बत भी हैं, साथी भी हैं और हर वक्त आपका सहारा भी बनते हैं। आपकी जिंदगी के ऐसे कौन से दोस्त हैं जो मोहब्बत से ज्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, जो आपके सब कुछ हैं, जिन्होंने आपका हर उस वक्त में साथ दिया जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका नाम लिखिएगा और उन्हें खास एहसास कराइएगा। दुनिया का क्या है, दुनिया को तो नजर आता है एक हंसता हुआ चेहरा, एक खुश इंसान और एक बढ़िया सी जिंदगी, लेकिन कौन जानता है कि मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितना गम छिपा है। कौन जानता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। दिखावे के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन असल मायनों में जो जिंदगी चल रही है ना, वो हम ही जानते हैं। खैर, यही दुनिया है और दुनिया में सिर्फ मुस्कुराना होता है, तो बस मुस्कुरा रहे हैं हम और गम छिपा रहे हैं। जब जिंदगी में भोले थे, लोगों की बातों पर जल्दी यकीन कर लेते थे, तो लगता था कि सब कुछ कितना अच्छा है यार, लेकिन जब ठोकरें लगी तो एहसास हुआ कि ये दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है। खैर, अब एहसास हो गया अपनी गलती का और अब कोई आसानी से दिल तो नहीं तोड़ पाएगा हमारा। मैंने कहीं सुना था कि हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो हमें दिखता है, एक पहलू जो सबसे छिपा रहता है। कई बार लोग हमारी जिंदगी को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार कितने उजले लोग हैं, कितने खुश लोग हैं, लेकिन कभी वो दूसरा पहलू नहीं देख पाते। अगर देख पाते तो पता चलता कि ये उजले से दिखते लोग अंदर से कितने अंधे हैं, ये अंदर ही अंदर कितना डरते हैं खुद से और कितनी लड़ाइयां हैं इनकी हर रोज। देखो यार, मैं नहीं जानता कि कब हमारा मिलना होगा, कब हमारे हाथों में हाथ होंगे और कब वो सारे ख्वाब पूरे होंगे जो मैंने तुम्हारे लिए देखे, पर इतना जरूर है कि मैं इंतजार करना जानता हूँ। मैं हर रोज इंतजार करूंगा तुम्हारा ऐसे ही कि तुम जब आओ तो मेरा हाथ थाम कर कह सको कि हाँ मुखर, जिंदगी साथ में जिएंगे और कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब कुछ सही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो ना, कब आना है तुम्हारा। कभी कभी होता है ना हमारे साथ, हम किसी इंसान के साथ होकर भी उसके साथ नहीं होते। वो बातें करता है लेकिन हम उन बातों में शामिल नहीं होते, सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। ऐसे में ना आपने उस सामने वाले इंसान को बता देना चाहिए कि देख, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे चल नहीं पा रहा है ये रिश्ता, क्योंकि आप झूठी उम्मीदें देते जाते हो और सामने वाला इंसान उम्मीदों का एक पुल बनाता जाता है, और जब वो उम्मीदों का पुल टूटता है ना, बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि उसके सामने वाला इंसान इंसान नहीं, बहरूपिया है। आज ना दिल से दुआ देने का मन है तुम्हें, तो हमेशा खुश रहो, कोई परेशानी तुम्हें छू ना पाए, तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आए, और ये जो होंठ है ना तुम्हारे, ये होंठ हमेशा मुस्कुराते रहे। यही दुआ है, वो भी दिल से।